संजय लीला भंसाली पर चारों तरफ से मुसीबतों की गाज गिरी हुई है। एक तरफ जहां उनकी फिल्म पद्मावती को लेकर करणी सेना उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है, और राजपूत रॉयल फैमिलीज भी उनके पीछे पड़ी हुई हैं। वहीं अब मुस्लिम समाज भी अलाउद्दीन खिलजी को लेकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, और इस वजह से 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली पद्मावती अब अगले साल तक के लिए टल गई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी मौका मिल गया संजय लीला भंसाली पर अपने गुस्से का गुबार निकालने का, और मौका देखकर सलमान ने भी मार दिया चौका और खोला एक ऐसा राज जिसके बाद हो जाएगा साफ कि क्यों सलमान खान हुए भंसाली से नाराज। दरअसल सलमान ने भंसाली के साथ 2 सुपरहिट फिल्में की थी, खामोशी द म्यूजिकल एंड हम दिल दे चुके सनम, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। बट जब बात देवदास की आई तो भंसाली ने सलमान को छोड़कर शाहरुख को कास्ट कर लिया, और वो भी तब जब सलमान हर फिल्म ऐश्वर्या के साथ करना चाहते थे एंड ऐश्वर्या वॉज अवॉइडिंग हिम। सलमान को जैसे ही पता चला तो वो गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने भंसाली से इस गुस्ताखी की वजह पूछी, जिस पर भंसाली ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो देवदास के रोल के लिए फिट नहीं है। बस फिर क्या था, सलमान हो गए गुस्से से लाल, और उसके बाद उन्होंने भंसाली के साथ फिर कभी काम नहीं करने का कमिटमेंट कर डाला। उसके बाद खबरें तो बहुत आई दोनों के साथ काम करने की, लेकिन इन खबरों में कभी भी सच्चाई नहीं थी। और आज जब भंसाली पद्मावती को लेकर परेशान है, ऐसे में सलमान गड़े मुर्दे उखाड़कर उनकी मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं।